छोटे सादे में बैंकों द्वारा किसानों की हो रही जमीन नीलामी को रुकवाने की मांग को लेकर बुधवार को लोगों ने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम SDM श्याम सुंदर चेतीवाल को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि पिछले 20 वर्षों से किसानों की हालत बहुत ही दयनीय है। इसको लेकर गत सभी सरकारों में किसानों को लुभावने वादे के माध्यम से उलझाए रखा है, कभी स्वामीनाथन आयोग के नाम से तो कभी हुड़वा कमेटी, कर्ज मुक्ति, लाभकारी मूल्य, किसानों की पेंशन योजना, न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद के नाम से। लेकिन किसान इन वादों के आगे हिम्मत हार गया। उक्त किए गए वादे के मुताबिक किसानों को कर्ज मुक्त करे और बैंकों द्वारा हो रही जमीन नीलामी तुरंत प्रभाव से रुका कर आत्महत्या कर रहे मजदूर किसानों को बचाने की मांग की है। नगरपालिका द्वारा तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सहयोग से शहर के प्रमुख चौराहों यथा गांधी सर्कल, बस स्टैंड इत्यादि स्थानों के ऊपर जो बेतरतीब तरीके से गाड़ियां खड़ी करते हैं, ठेले लगाते हैं, उन सभी को पाबंद किया गया है। नगर पालिका द्वारा 10 से अधिक जो दोपहिया वाहन हैं वो जब्त भी किए गए हैं और उन सभी को जो है इस बात के लिए पाबंद किया गया है कि अगर भविष्य में अगर फिर से पाया जाएगा तो नगर पालिका द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन को भी इस संबंध में कह दिया गया है कि नियमित रूप से इस तरह की कार्रवाइयां शहर के ऐसे स्थानों पर जहां पर जाम की समस्या दिन प्रतिदिन रहती है वहां पे कार्रवाई की जाए। छोटी सादी से कैलाश शर्मा की रिपोर्ट।